आज मैं बनाने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल की चिक्की। काफ़ी लोग तिल के लड्डू भी बनाते हैं और सच कहूँ तो मेरे बच्चों को तिल की चिक्की बहुत ही पसंद है। तो सबसे पहले तो हमें 1 कप वाइट तिल को ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि तेल या घी डाले बिना ही पकाना है। और याद रहे कि तिल को धीमी आँच पर पकाना है। और जब तिल का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब हमें गैस ऑफ करके तिल को अलग ट्रे या थाली में ट्रांसफ़र कर लेना है। और ध्यान रहे कि तिल का कलर ज़्यादा चेंज ना हो, सिर्फ हल्का सा ही चेंज होने देना है। अब पैन में 3 चम्मच पानी और 1 चम्मच चीनी डालकर हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। और मैं ना जितना हो सके उतना चीनी का यूज़ कम करती हूँ और गुड़ का यूज़ ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि गुड़ चीनी से ज़्यादा न्यूट्रिशंस में अच्छा होता है। यानी कि चीनी से सिर्फ वजन बढ़ता है पर गुड़ हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है। तो जब चीनी पिघल जाए तब हम 1 कप गुड़ डाल देंगे। जब गुड़ मेल्ट हो जाए तब हम 1 कटोरी में पानी लेकर गुड़ अच्छे से पक चुका है कि नहीं ये टेस्ट करेंगे। तो पहले तो 1 कटोरी पानी में मेल्ट किए हुए गुड़ को डाल देंगे। अगर गुड़ अच्छे से टूट जाए तो इसका मतलब ये है कि गुड़ अच्छे से पक चुका है। अब ये स्टेप के बाद हम गुड़ में तिल ऐड कर देंगे। और याद रहे कि गैस की फ्लेम को धीमी ही रखनी है। गुड़ और तिल को अच्छे से मिक्स करना है और इस प्रोसेस में हमें मुश्किल से 1 या 2 मिनट लग सकते हैं। जब गुड़ और तिल मिक्स हो जाए तब हमें इसमें चॉप की हुई बादाम और इलायची पाउडर ऐड करना है। अब गैस की फ्लेम को बंद करके मैंने यहाँ पर एक अलग बर्तन में थोड़ा सा घी लगाकर रखा है। अब हम इस बर्तन में चिक्की को डालकर 1 कटोरी से प्रेस करेंगे ताकि हमारी चिक्की पतली हो, और अगर फिर भी थोड़ी मोटी लगे तो बेलन से बेलकर इसे पतला कर लेना है। और अब तैयार है मकर संक्रांति के लिए हमारी तिल की क्रिस्पी चिक्की, और वो भी बिना शक्कर की। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।